राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 12। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 12। योआश का राज्य। जब योआश राजा हुआ उस समय वह 7 वर्ष का था। येहू के 7वें वर्ष में योआश राज्य करने लगा और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिब्या था जो बेरशेबा की थी। और जब तक यहोयादा याजक योआश को शिक्षा देता रहा तब तक वह वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। तो भी उच्च स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग तब भी उच्च स्थान पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। और योआश ने याजकों से कहा, पवित्र की हुई वस्तुओं का जितना रुपया यहोवा के भवन में पहुंचाया जाए, अर्थात गिने हुए लोगों का रुपया और जितने रुपये के जो कोई योग्य ठहराया जाए और जितना रुपया जिसकी इच्छा यहोवा के भवन में ले आने की हो, इन सबको याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया करे और भवन में जो कुछ टूटा फूटा हो उसको सुधार दे। तब भी याजकों ने भवन में जो टूटा फूटा था उसे योआश राजा के 23वें वर्ष तक नहीं सुधारा था। इसलिए राजा योआश ने यहोयादा याजक और याजकों को बुलवाकर पूछा, भवन में जो कुछ टूटा फूटा है उसे तुम क्यों नहीं सुधारते? अब से अपनी जान पहचान के लोगों से रुपया न लेना और जो तुम्हें मिले उसे भवन के सुधारने के लिए दे देना। तब याजकों ने मान लिया कि न तो हम प्रजा से और रुपया ले और न भवन को सुधारे। तब यहोयादा याजक ने एक संदूक ले उसके ढकने में छेद करके उसको यहोवा के भवन में आने वालों के दाहिने हाथ पर वेदी के पास धर दिया। और द्वार की रखवाली करने वाले याजक उसमें से वह सब रुपया डालने लगे जो यहोवा के भवन में लाया जाता था। जब उन्होंने देखा कि संदूक में बहुत रुपया है तब राजा के प्रधान और महायाजक ने आकर उसे थैलियों में बांध दिया और यहोवा के भवन में पाए हुए रुपयों को गिन लिया। तब उन्होंने उस तौले हुए रुपयों को उन काम करने वालों के हाथ में दिया जो यहोवा के भवन में अधिकारी थे और इन्होंने उसे यहोवा के भवन के बांधने वाले बढ़ईयों को, राजों और संगत राशों को दिया। और लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में वरन जो कुछ भवन में टूटे फूटे की मरम्मत में खर्चा होता था उसमें लगाया। परंतु जो रुपया यहोवा के भवन में आता था उसमें से चांदी के तसले, चिमटे, कटोरे, तुरहिया आदि सोने व चांदी के किसी प्रकार के पात्र न बने, परंतु वह काम करने वालों को दिया गया और उन्होंने उसे लेकर यहोवा के भवन की मरम्मत की। और जिनके हाथ में काम करने वालों को देने के लिए रुपया दिया जाता था उनसे कुछ हिसाब न लिया जाता था क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। जो रुपया दोष बलियों और पाप बलियों के लिए दिया जाता था यह तो यहोवा के भवन में न लगाया गया, वह याजकों को मिलता था। तब अराम के राजा हजायल ने गत नगर पर चढ़ाई की और उससे लड़ाई करके उसे ले लिया। तब उसने यरूशलेम पर भी चढ़ाई करने को अपना मुंह किया। तब यहूदा के राजा योआश ने उन सब पवित्र वस्तुओं को जिन्हें उसके पुरखा यहोशापात, यहोराम और अहज्याह नाम यहूदा के राजाओं ने पवित्र किया था और अपनी पवित्र की हुई वस्तुओं को भी और जितना सोना यहोवा के भवन के भंडारों में और राजभवन में मिला उस सबको लेकर अराम के राजा हजाएल के पास भेज दिया और वह यरूशलेम के पास से चला गया। योआश के और सब काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? योआश के कर्मचारियों ने राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको मिल्लो के भवन में जो सिल्ला की उतराई पर था मार डाला, अर्थात शिमात का पुत्र
योजाकार और शोमेर का पुत्र यहोजाबाद जो उसके कर्मचारी थे उन्होंने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। तब उसे उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी और उसका पुत्र अमस्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा।